बद्दी में बीती रात हुई युवतियों की हत्या को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हत्याओं का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कसौली गोलीकांड में महिला अधिकारी की मौत की याद अभी धुंधली नहीं हुई थी कि गत रात्रि बद्दी में एक और युवती का गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के 4 माह के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। मुख्यमंत्री खुद इस व्यवस्था को देखकर चिंतित हैं और घबराए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारी प्रदेश में रेप, हत्या, डकैती, अपहरण जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मंथन कर रहे हैं और इस घटनाओं पर अंकुश कैसे लगाया जाए इस बारे में रणनीति तैयार करने में लगे हैं। रोष व्यक्त करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सोलन में अपराध के लगातार बढ़ते ग्राफ के कारण हर कोई चिंतित नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आने से पहले महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती थी, लेकिन आज प्रदेश में युवतियों के साथ अपहरण, रेप और हत्याओं की वारदातें अधिक हो रही हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और हर जगह गुंडा राज दिखा जा रहा है। इस वक्त प्रदेश में सबसे बड़ा इशू जो है वो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है। कानून नाम की चीज इस प्रदेश में नहीं है। महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहा है, रेप्स, मर्डर, डकैती, किडनैपिंग हो रही है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। बहुत सारे केसेस हैं। सोलन जिले में स्थिति जो है लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर हो रही है। शैलबाला टाउन कंट्री प्लानिंग ऑफिसर का मर्डर हुआ, राम कुमार पूर्व विधायक बद्दी उनके रिश्तेदार का मर्डर हुआ है, अभी कल एक का मर्डर हो गया, एक डेथ हो गई और एक पीजीआई में अंडर ट्रीटमेंट है। तो ये बहुत सारे उदाहरण है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रति जो है वो क्राइम जो है वो बढ़ा हुआ है और इसको रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। कहाँ कमी है, क्या राजनीति, कितना कहाँ राजनीति दबाव है, हम मांग करना चाहते हैं सरकार से कि जहाँ पे हीनियस क्राइम्स हो, जहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस हो, वहाँ पे राजनीतिक दबाव जो है वो नहीं डालना चाहिए और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा भी बढ़ते हुए प्रदेश में बढ़ते हुए क्राइम के प्रति जो है वो चिंता व्यक्त की गई है। तो ये बात हम कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे हैं, आम जनता भी कह रही है।